मुरैना जिले में चोरी की वारदातों पर लगाम कसने के उद्देश्य से मुरैना पुलिस अधीक्षक आशुतोष बागरी के निर्देशन में सिहौनिया थाना पुलिस ने 3 अगस्त 2022 की दरमियानी रात को पुरा बस खुर्द के पास किशोरीपुरा में महेश बघेल के मकान में चोरों ने दीवार तोड़कर सोने चांदी के जेवरात और अन्य सामान चोरी की वारदात को अंजाम दिया। महेश बघेल ने थाना सिहौनिया में FIR दर्ज कराई। उस पर पुलिस ने चोरी की वारदात को ट्रेस करने के लिए मुरैना पुलिस अधीक्षक ने टीम का गठन किया, जिसका नेतृत्व सिहौनिया थाना प्रभारी ने किया। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एकहरा होटल के पास रोड पर दो संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की। उनके नाम कुंवर पाल संखवार व लक्ष्मण रजक निवासी भानपुरा भिंड बताए गए। इन दोनों साथी चोरों की जेब से पुलिस ने पेचकस और प्लास मिलने पर पुलिस को संदेह हुआ। पुलिस ने चोरों से कड़ी पूछताछ की। इन्होंने महेश बघेल के मकान में 3 अगस्त को की गई चोरी कबूल कर ली। सिहौनी थाना पुलिस को पकड़े गए दो साथी बदमाशों से 4 लाख रुपये के सोने चांदी के आभूषण बरामद करने में सफलता हासिल मिली है। पुलिस ने चोरी की जानकारियां व मसरूका बरामद करने में और जुटी हुई है। मुरैना से खबर हर पल के लिए बंटी चौधरी की खबर। निश्चित तौर पर सिहौनिया थाने में ग्रामीण क्षेत्र में आसपास के जो हमारे थाने हैं भिंड के और यहाँ के, तो उन क्षेत्रों में बेहद में काफ़ी जो है इस तरीके की घटनाएं हुई थी जो हमारे लिए चैलेंज थी। इसमें पुलिस अधीक्षक महोदय ने हम सब लोगों को बताया कि इसमें एक टीम बना करके काम करना है। तो एक वहाँ सिहौनिया में भी प्रॉपर में पहले चोरी हुई थी और इसमें जो है इनके बघेल साहब के यहाँ से चोरी हुई थी। इनकी बिटिया जब आई थी घर में रक्षाबंधन के समय पर, तो चोरों ने रैकी किया पहले क्योंकि इनके आपराधिक रिकॉर्ड हैं चोरी करने के। तो ये तरीका वारदात इनका ये था कि गांव में जो है पहले ही दिन में रैकी करते थे, उसके घर में कहाँ संभावना हो सकती है, फिर रात के ही ऑपरेट करते थे। ये लगभग 1 महीने पहले चोरी हुई थी इनके यहाँ और पुनः फिर उस गांव में चूँकि इनको एक बार आदत पड़ गई तो उस गाँव में फिर अटैम्प्ट करने का प्रयास किया ग्रामीण जनों के सहयोग से और पुलिस को इतला दी। तो उसमें वो करे गए प्रारंभिक पूछताछ में जो है इनके यहाँ जो चोरी हुई थी वो घटनाक्रम कबूल किया है। तो अपने कुछ और निवास साथियों के नाम बताएँ, इसमें इनसे काफ़ी मात्रा में जो है ज्वेलरी और जो सामान इनके द्वारा जो दीवार कोटते हैं नकुच वगैरह और पेचकस वगैरह, ये जो सामान इनके साथ में लेकर चलते हैं मौके पर मिला था। उनके मोबाइल की CDR और उस पर काम कर रहे हैं लोग, तो उस पर पता चलेगा कि उनका मूवमेंट कहाँ कहाँ रहा है रात के समय में, उस समय में कहाँ कहाँ और घटनाएँ हुई हैं, तो उसमें इनको थोड़ा और काम करना है। इस संबंध में इनका PR लिया जा रहा है और निश्चित तौर पर ये जो है अभी लगभग पूरा देखा जाए तो लगभग 4 लाख का जो है मटेरियल इनका बरामद हो चुका है और भी इनसे पूछताछ की जा रही है कहाँ पहले ऑपरेट करते रहे हैं और इनके अन्य कौन साथी हैं। उनके भी जो है हमारे थाना प्रभारी और उनकी टीम काम कर रही है। इसमें मैं कहूँगा कि अभी सिहौनिया में थाना प्रभारी मैडम जो है गई हैं, इनकी पूरी टीम इस पूरी घटनाक्रम में उन्होंने माल आरोपियों की गिरफ्तारी और माल की चोरी के लिए मैं DSP सुरेंद्र साहब के नेतृत्व में काफ़ी अच्छा काम किया है और भी कुछ इससे बरामद होगा। हमारा मुझे यही है कि फरियादी की संतुष्टि हो इसमें कि उनकी जो घटना हुई थी वो पुलिस ने पूरा